हेलो फ्रेंड्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ चैप्टर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस तरह से है इन एंड इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 पॉइंट एंगस्ट्रॉम तो हाइड्रोजन एटम का हमें स्ट्रक्चर पता ही है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन है एंड uh, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है जीरो पॉइंट ए पार्ट में हमें क्या करना है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफानाइट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन ओके तो सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है और आगे दिया गया है कि वी हैव टू टेक हमें लेना है जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफानाइट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन ओके और बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ओपटेंड इन ओके तो पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं फिर बी पार्ट को देखेंगे और सी पार्ट तो हमने रीड ही नहीं करा है तो सी पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसी समय एक्सप्लेन करेंगे ओके okay, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में हमें इस तरीके का एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो ये इस तरीके का एक हमें हाइड्रोजन आइटम के बारे में कंडीशन दी गई है इन दोनों के बीच की सेपरेशन जो थी वो जीरो पॉइंट फाइव थ्री एंगस्ट्रॉन्ग हमें गिवन है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम कैलकुलेट करना है ठीक है और uh, इनके बीच की सेपरेशन जीरो पॉइंट फाइव थ्री एंगस्ट्रॉन्ग हमें दी गई है तो इ, इसकी जो वैल्यू होगी इट विल गिवन बाय द पोटेंशियल एनर्जी एट द गि सेपरेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफानाइट सेपरेशन ओके तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन फोर पैप सेल नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन डी जहां क्यू वन और क्यू टू चार्जेस है डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और यू इन्फिनिटी के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी क्यों ना है कि यू इन्फिनिटी की वैल्यू हमारी जीरो है वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो वन अपॉन फोर पाइप सेन नॉट की वैल्यू आएगी नाइन इं टू टेन टू तो दी पावर ऑफ नाइन क्यू वन क्यू टू की वैल्यू रख दी ये चार्ज ऑफ प्रोटोन है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो डिस्टेंस दी थी डी हमें दी गई थी इसे लिख दिया हमने जीरो पॉइंट फाइव थ्री इंटू तो टेन टू तो दि पावर ऑफ माइनस टेन तो क्योंकि जीरो तो पॉइंट फाइव थ्री एंगस्ट्रॉम में टेन के पावर माइनस टेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मीटर्स में वैल्यू मिल जाएगी और आपको पता ही है कि सब कि जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सारी वैल्यूज हम ऐसे यूनिट में प्लेस करते हैं ठीक है फर्दर हमने क्या करा आप यहां पे देखिए ये 10 के पावर माइनस नाइनटीन है ये ऊपर जाएगा 10 के पावर 9 के साथ कंबाइन होकर 10 के पावर देगा तो ये 10 के पावर प्लस नाइनटीन तो और 10 के पावर माइनस नाइनटीन सिंप्लीफाई होकर हमें वन देंगे ठीक है तो ये नाइन हमने एज इस कॉपी कर लिया ये तीन वैल्यूज हमारी सॉल्व ओके वन दे दी हैं तो ये हट हट गई वैल्यूज़ ये वन पॉइंट सिक्स हमने एज इट इज लिख दिया और माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस नाइनटीन को हमने ऐसे लिख दिया कि माइनस नाइन बाहर लिख दिया और पूरी वैल्यू इंटू में लिख दी है और ये जीरो पॉइंट फाइव थ्री आ गया हमारा ठीक है अब हमें जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो हमें पता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस नाइनटीन जूल इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बिकॉज यहाँ पे साफ साफ ये पूरी वैल्यून पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस नाइनटीन से मल्टीप्लाई कर रही है तो हम इतना इतना हटा के हम वन इलेक्ट्रॉन वोल्ड्स या सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिख सकते हैं अगर ये नहीं मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता किसी भी वैल्यू में वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस नाइनटीन का अगर आप डिवाइड करते हैं तो वैल्यू अगर जूल्स में है तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है तो ये हो गया माइनस एज साइन एज इट इज नाइन इंटू वन पॉइंट सिक्स तो ये हो जाएगा फोर्टीन पॉइंट फोर अपॉन जीरो पॉइंट फाइव थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और इस फ्रैक्शन की वैल्यू को जैसे हम सिंपलीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ए पार्ट का ठीक है बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वॉट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन ओके तो हमें ये निकालना है कि कितना हमें मिनिमम वर्क करना पड़ेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए फ्री का मतलब ये होगा कि अब ये इस प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में ना रहे अब ये इस एटम का हिस्सा ना रहे ओके गिवन दैट द कानेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑप्टेंड इन ए तो यहां पे ये वर्ड मैग्नीट्यूड इसलिए दिया है, गया है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव भी रह सकती है तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है इस ऑर्बिट में हाफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हमने ए पार्ट में ऑपटेंड करी है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑप्टेंड इन द पार्ट ए और इसकी वैल्यू हो जाएगी जाएगीवन पॉइंट टू .2 या फिर वन बाय टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ ट्वेंटी सेवन टू में मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेना है साइन नहीं लेना है तो सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू तो हमें थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी ठीक है अब टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ठीक है और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन ओके तो यहां पे एक बहुत लॉजिकल बात समझने की है कि बिकॉज हमारा प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इन इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी रहेगी वो नेगेटिव रहेगी ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे है तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का तो उसमें वैल्यू नेगेटिव मिलेगी ठीक है और टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बाउंड है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाती है या नॉन नेगेटिव हो जाती है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से बाउंड नहीं रहेगा इट इट विल बिकम फ्री फ्रॉम द बाउंडेशन ऑफ प्रोटॉन ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि अगर फ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वर्क डन या एनर्जी रिक्वायर्ड एक्स है तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में अगर हम एक्स एनर्जी ऐड कर दें और वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाए ठीक है तो इतनी एनर्जी देने पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा इट विल बिकम फ्री फ्रॉम द इंफ्लुंस ऑफ प्रोटोन या वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ठीक है और इसकी वैल्यू जो रहेगी इट विल भी ग्रेटर देन थर्टीन पॉइंट सिक्स ये माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स को यहां ले गए या फिर इन इक्वालिटी को सॉल्व कर देंगे इन अदर वर्ड तो हमें मिल जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वर्ड तो जो मिनिमम वैल्यू जो है एक्स की जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है या इस कंडीशन में जो मिनिमम वैल्यू हम दे सकते हैं वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए ओके okay. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ बी पार्ट का अब सी पार्ट में हमें ये बताना है कि व्हाट आर द आंसर्स टू पार्ट ए एंड बी अबव इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.6 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन ओके तो और बी पार्ट का हमारा क्या आंसर होगा अगर जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी हम 1.06 पॉइंट जीरो सिक्स एंगेस्ट्रॉम सेपरेशन की लेके चल रहे हैं ओके okay, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड जीरोपरेशन ऑफ वन पॉइंट जीरो सिक्स एंगेस्ट्रॉम ओके तो सबसे पहले हम ये एनर्जी निकाल लेते हैं तो दिस वुड बी गिवन बाय यू नॉट एंड दिस वुड बीकोल्ड सेन क्यू टू अपॉन डी नॉट डी नॉट हमारा जीरो सिक्स एंगेस्ट्रॉम है और क्यू वन क्यू टू हमें पता ही है Q1 हमारा प्रोटॉन है Q2 हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज है वो ये वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही हैं तो वैल्यूज प्लेस कर देंगे नॉट की की वैल्यू वैल्यू Q1 Q2 की और D की वैल्यू ये हमने एंगस्ट्रॉम में लिख दी सॉरी ये हमने मीटर्स में लिख दी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस नाइनटीन का डिवाइड कर दिया तो इतनी एनर्जी इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की एट वन पॉइंट जीरो सिक्स सेपरेशन और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है देयर फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्ट ए विल चेंज एज द पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग ये मेजर करते हैं कि जो रेफरेंस पॉइंट रहता है जिसे हम जीरो मानते हैं उसके ऊपर कितनी एनर्जी है तो डी सेपरेशन और जो जीरो वाली सेपरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी थी उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस तरीके से ए पार्ट का आंसर चेंज हो जाएगा बिकॉज हमने जो रेफरेंस वाला जो जीरो था उसकी एनर्जी हमारी चेंज हो गई और उतना ही डिफरेंस हमारा पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा लेकिन बी पार्ट में हमें क्या करना था हमें एनर्जी निकालनी थी जो कि रिक्वायर्ड थी जिससे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को या जितनी हम इलेक्ट्रॉन को देंगे जिससे वो इंफानाइट सेपरेशन पे पहुंच जाए ठीक है जिससे वो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाए तो अब फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी थी वो अनचेंज रहेगी बिकॉज जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने से एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज दैट इज रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन तो work done will remain same for part b and the, the, uh, that is the minimum work done would be equal to 13.6 electron volt so this is required answer ho this is question number 19 of chapter electrostatic potential and capacitance the question is if one of the two electrons of

एक इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन्स में से अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आयन मिल जाएगा ग्राउंड स्टेट में जो H2 पॉजिटिव की होगी उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो 1.5 पॉइंट एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर हैं और इलेक्ट्रॉन जो है 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम ईच प्रोटॉन। ठीक है तो हमें डिटरमिन करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और सेकेंड आगे हमें दिया गया है स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक बार फिर कंडीशन देख लेते हैं हमें इस तरीके का हाइड्रोजन मोलिक्यूल दिया गया है ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ओके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमें क्या मिलेगा एच टू पॉजिटिव आयन मिलेगा अब आगे दिया गया है कि ये जो प्रोटोन है ये वन पॉइंट फाइव डिस्टेंस पर है और ये जो प्रोटोन है इन दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों प्रोटोन से वन एंग की डिस्टेंस पे हैं ठीक है तो हमने मान लिया ये हमारा चार्ज ए है ये इसे बी से नेम कर दिया इस प्रोटोन को और इस इलेक्ट्रॉन को सी से नेम कर दिया ठीक है तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी या इन तीनों दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम बनेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस एक्सप्रेशन से दी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी ए ठीक है तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हम एक बात नोट कर सकते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है तो आप क्या करेंगे जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं चार्जेस के बना लेंगे और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके टोटल कर देंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगी ठीक है तो आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक्सप्रेशन लिख देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस ए बी वुड बी इक्वल टू यू ए बी जिससे हमने रिप्रेजेंट करा है इसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉइंट फोर फाइव सेल ए नॉट क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए बी ठीक है आर ए बी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी ए की वैल्यू ये हो जाएगी ठीक है अच्छा क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पॉवर ऑफ माइनस जो कि चार्ज ऑन प्रोटोन है और क्यू सी की वैल्यू माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस नाइनटीन जो कि चार्ज ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है आर ए बी की जो वैल्यू है अ, मतलब चार्ज ए और बी की जो बीच की डिस्टेंस है उसे हमने आर ए बी से रिप्रेजेंट करा है और इसकी वैल्यूट फाइव एंगस्ट्रॉम है या वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू तो दावर ऑफ माइनस टेन मीटर्स है और आर बी सी की वैल्यू जो है वो आर सी ए के बराबर होगी ये डिस्टेंस के बराबर होगी और इसकी वैल्यू वन एंगस्ट्रॉम है जो वन पॉइंट जीरो तो इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस टेन मीटर्स है यहां पे आर सी ए है ओके और जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट इनफाइट पे पूछा गया था चॉइस ऑफ पोटेंशियल जीरो ऑफ़ पोटेंशियल एनर्जी तो हमने जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट सेपरेशन लिया है ओके okay. तो वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वन ऑफ पॉइंट फोर टू से पावर ऑफ माइनस नाइनटीन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस पावर ऑफ माइनस टेन ठीक है सिमिलरली यहां पर भी हमने क्यू एक और सॉरी क्यू बी और क्यू सी की वैल्यू प्लेस कर दी और और डिस्टेंस बिटवीन बी और सी जो कि वन एंड है तो वन पॉइंट जीरो इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस टेन और क्यू सी मतलब चार सी हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया सिमिलरली सी ए का सी ए मतलब जो चार्जेस सी और ए के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस एक्सप्रेशन से दी जा रही है और इसकी वैल्यू वन पॉइंट फोर फाइव नॉट और यहाँ पर ये यह हमारा चार्ज ए है और ये हमारा चार्ज सी है पावर ऑफ माइनस नाइनटीन और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा कि वन वन फोर सेल नॉट और वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू ऑफ माइनस नाइनटीन का होल स्क्वायर और टेन के पावर माइनस टेन निकल रहा था तो ये कॉमन निकाल लिया बचा क्या वन अपॉइंट वन पॉइंट फाइव माइनस वन और माइनस वन ठीक है यहाँ पे नोट कर दें आप कि यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे माइनस वन बचेगा ठीक है और वन अपॉन वन पॉइंट फाइव हमारा टू अपॉन थ्री है क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो टेन अपॉन फिफ्टीन हो जाएगा या टू अपॉन थ्री तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ कॉपी कर दी और ये टू अपॉइन्ट थ्री माइनस टू तो ये माइनस फोर अपॉइंट थ्री मिल जाएगा और इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर मिल जाएगी नाइन इंटू टेन टू द पावर ऑफ नाइनटीन इंटू टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस थर्टी एट इंटू माइनस फोर अपॉन थ्री जो कि फर्दर सॉल्व होकर हमें वैल्यू दे देगा माइनस थर्टी पॉइंट सेवन टू इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस नाइनटीन जूल जो कि अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ड में कन्वर्ट करें इसकी वैल्यू को तो ये 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस नाइनटीन से डिवाइड कर देंगे तो माइनस नाइनटीन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ड्स तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस द क्वेश्चन इज टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड टू इच अदर बाई अट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ टू स्पीय यूज द रिजल्ट ऑफ टेन टू एक्सप्लेन वाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर इज हायर देन ऑन इट्स फ्लैटर पोर्शन तो ये क्वेश्चन इस तरह से है हमारे पास दो चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर हैं जिनका रेडियस ए और बी है और उन्हें हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्पियस और इस रेशियो जो हम कैलकुलेट करेंगे उस रिजल्ट की मदद से हम एक्सप्लेन करना है कि वाई द चार्ज डेंसिटी की क्यों चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर इज हायर वहां पे ज्यादा होती है और फ्लैटर पोर्शन पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कम होती है ओके तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने ये दो स्पेयर मान लिए ये हमारा स्पेयर ए है कंडक्टिंग स्पेयर है जिसका रेडियस ए के बराबर है और इसे हमने ए से रिप्रेजेंट करा ये दूसरा स्पेयर है इसे हमने बी से रिप्रेजेंट करा इसके ऊपर भी कुछ चार्ज है और इसका रेडियस बी के बराबर है इसका और कुछ चार्ज इसके ऊपर है इसके ऊपर मान लिया क्यू ए चार्ज है इसके ऊपर क्यू बी चार्ज है और वी इसका पोटेंशियल है और वी बी इसका पोटेंशियल है ठीक है तो ये हमारे इनिशियल पोटेंशियल्स ऑफ द स्पीयर्स हैं। जैसे हमने वायर से जैसे हम इन दोनों स्पीयर्स को वायर की मदद से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल दोनों के सेम हो जाएंगे ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑन द स्पीयर ए उसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो गिवन होगी वन अपॉन पॉइंट फोर पाइपल नॉट क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर और इसी तरीके से दूसरे स्पेयर की जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इसकी वैल्यू होगी वन अपॉन पॉइंट फोर पाइपल नॉट क्यू बी अपॉन बी स्क्वायर और जो पोटेंशियल होगा वो होगा वन ओ पॉइंट फोर क्यू ए अपॉन ए और पोटेंशियल ऑन द स्पेयर बी ये जो स्पेयर बी का पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू होगी वन ओ पॉइंट फोर नॉट क्यू बी अपॉन बी ठीक है जब हम लोग वायर से कनेक्ट कर देंगे दोनों स्पीयर को तो वी ए इज वुड बी इक्वल टू वी बी दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो इस कंडीशन में वन अपॉइन फोर पाइपन नॉट क्यू ए अपॉन ए वुड बी इक्वल टू वन अपॉइंट फोर पाइपन नॉट क्यू बी अपॉन बी या क्यू ए अपॉन ए वुड बी इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी या क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी तो जब इन दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे तो जो चार्जेस का रेशियो होगा इट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर्स ओके अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कैलकुलेट करना था ऑन द सर्फेस तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो ले लिया ठीक है और हमें ये मिल जाएगी वैल्यू कि ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहां पर आप देख सकते हैं कि वन अपॉइंट फोर पाइपल नॉट वन अपॉइंट फोर एप्स नॉट कैंसल आउट हो जाएगा ठीक है और ये क्यू ए ऊपर रहेगा क्यू बी नीचे जाएगा और ये वैल्यू नीचे आएगी ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी ठीक है क्यू ए अपॉन क्यू बी का हम रेशियो निकाल ही चुके हैं इट इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी अगर दोनों के पोटेंशियल सेम हैं दोनों को जब हम वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ई अपॉन ई बी की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर या सिंपली इट इज़ इट विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम वायर से दोनों स्पेयर्स को कनेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू बी अपॉन ए आ गई या हम यहाँ पे ये यह लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस तो दोनों के अगर दोनों स्पेयर्स हमें किसी तरीके से दिए जाते हैं और उनके पोटेंशियल सेम पोटेंशियल्स ऑन द सर्फेस सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सर्फेस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जितना कम रेडियस होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फ्लैट सर्फेस को कंसिडर करेंगे तो उसका रेडियस ज्यादा होगा और पॉइंटेड सर्फेस को कंसिडर करेंगे तो उसका रेडियस स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज नियर पॉइंटेड सर्फेस क्योंकि पॉइंटेड सरफेस का रेडियस कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल रहती है तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज डेंसिटी इज लार्जर एट पॉइंटेड सरफेस ठीक है तो इस तरीके से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई चार्ज डेंसिटी इज शार्प इज डेंसिटी ऑन अ शार्प एंड पॉइंटेड सर्फेस ऑन द कंडक्टर इज हायर देन ऑन द फ्लैटर पोर्शन ओके चैप्टर इलेक्ट्रोस्टिकोटेंशियल एंड तरह से है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट दीरो माइनस ए एंड जीरो वॉट इज द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट जीरो जीरो जेड एंड एक्स वाई जीरो तो ए पार्ट में हमें यह पूछा गया है अगर दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू इन दोनों पॉइंट पर लोकेटेड है तो इन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा ओके okay, तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे फिर बी और सी पार्ट एक्सप्लेन करके उन्हें भी सॉल्व करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली क्योंकि हर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं या जितने भी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उनके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के बेने ठीक है तो सबसे पहले हमने ये दोनों चार्जेस को लोकेट कर दिया माइनस क्यू और प्लस क्यू जो कि जीरो जीरो माइनस ए और जीरो जीरो ए पे लोकेटेड है ठीक है तो इस तरीके से हमने इन चार्जेस को लोकेट कर दिया ठीक है ये हमारी पॉजिटिव एक्सेस है ये हमारी नेगेटिव एक्सेस है ठीक है और इस पॉइंट को जीरो जीरो ए को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और इस पॉइंट को जो कि जीरो जीरो माइनस ए ऐसे हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पी एक्स वाई जीरो क्यू पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे अब इस पॉइंट पी की खास बात यह है कि इसके कॉर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जीरो ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया कि एक्स और वाई बिकॉज इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू दी नहीं गई है ये एक वेरिएबल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्स और वाई कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन जेड हमेशा जीरो रहेगा तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई प्लेन पे लोकेटेड है ठीक है तो ये जो हमने स्क्वायर बनाया है ये एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो ये पॉइंट पी हमारा इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर लोकेटेड है तो ये इसकी एक खास बात है और इसकी ज़रूरत जैसी हमें पड़ेगी हम इस पॉइंट के ऊपर फिर से आएंगे अच्छा और फर्दर ये हमने डिस्टेंस मार्क कर दी पी और बी के बीच में और पी और ए के बीच में ये डिस्टेंस मार्क कर दी बिकॉज हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पी पर तो इस पॉइंट पी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम वी पी लिख सकते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी ये क्या होगा ये वी ए प्लस वी बी के बराबर होगा आपको पता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस चार्ज ए, एक ए की वजह से रहेगा या प्लस क्यू ये चार्ज जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है या प्लस क्यू की वजह से रहेगा या औ, और वी बी जो कि चार्ज जो है माइनस uh, क्यू के बराबर है और इस पॉइंट बी पे लोकेटेड है इन दोनों की वजह से पोटेंशियल के बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मुल पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सल नॉट क्यू अपॉन आर तो इसी तरीके से वन अपॉन फोर पाई एप्स एल नॉट क्यू अपॉन पी ए ये इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पी पर वन अपॉन फोर पैप्स नॉट माइनस क्यू क्योंकि चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू है अपॉन पीबी और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारी पीबी के बराबर है ओके अब हमें pa और pb की वैल्यू रिक्वायर्ड है सिंपली हमें क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मुला अप्लाई करना है तो जो पी ए की वैल्यू हो जाएगी इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ए होल स्क्वायर तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपली आपको क्या करना है x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स और z कोऑर्डिनेट्स लीजिए उनका डिफरेंस निकालिए स्क्वायर कर दीजिए और टोटल करने के बाद स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी और यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगी वैल्यू वाई स्क्वायर ये हो जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर तो पी ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसी तरीके से हम पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस ए तो हमें यहाँ पे मिलेगा जीरो प्लस ए होल स्क्वायर और ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके हमें दे देगी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि पी की वैल्यू हो गई ओके तो अब आप यहां पर देख सकते हैं पी की वैल्यू जो है वो पी के बराबर आ गई ओके okay, तो जैसे ही पी और पीबी आप इक्वल रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि बाकी सब वैल्यू सेम है सिर्फ माइनस साइन का अंतर है okay, तो यहां पर ओके तो पे हम लिख सकते हैं वीपी की वैल्यू जीरो मतलब पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो अब इस क्वेश्चन को हम एक ऑल्टरनेटिव तरीके से जो कि एक डायरेक्ट मेथड हो सकता है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो आप ये दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू को एक डायपोल मान सकते हैं ए बी के बराबर ठीक है और ये जो एक्स वाई प्लेन है इस केस में ये पपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन हो जाएगा ऑफ दीज टू चार्जेस क्योंकि ये ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस पे है और जो एक्स वाई प्लेन होता है वो ओरिजिन से पास करता है और एक्स वाई प्लेन जो होता है वो जेड एक्सिस के पपेंडिकुलर भी रहता है तो इस तरीके से ये जो प्लेन हो जाएगा एक्स वाई प्लेन ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर प्लेन हो जाएगा ऑफ दीज टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ठीक है तो बिकॉज हमें पता है किसी भी डायपोल के परपेंडिकुलर बायसेक्टर पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेके चलते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है जीरो के बराबर ठीक है तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल मानकर हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं वीपी इज इक्वल टू जीरो बस आपको यह बताना पड़ेगा कि यह जो ये जो पी पॉइंट है यह पपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लोकेटेड है ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज चार्जेस आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं ओके okay, तो यह इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया अब हम इसका जो सेकेंड पॉइंट गिवेन है जीरो जीरो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो हमने मान लिया सबसे पहले कि ये जो पॉइंट जीरो जीरो जेड है उसे हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया और ये पॉइंट क्लियर है कि ये जेड एक्सिस पे लोकेटेड है तो हमने इस तरीके से इस पॉइंट को जेड एक्सिस पे लोकेट कर दिया ठीक है अब सेंस हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी काफ़ी चीज़ें तो इस तरीके से थ्री डायमेंशंस में दिक्कत पड़ेगी तो हमने क्या करा इस इन तीनों पॉइंट्स को ए B और Q पॉइंट्स को इस तरीके से Z एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में इस पार्ट इस क्वेश्चन के इस पार्ट में हमें X एक्सिस और Y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है ओके okay, तो हमें क्या करना है इस पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो Z हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है इन दोनों चार्जेस की वजह से तो काफी सिंपल है वी क्यू की वैल्यू दैट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्यू वुड बी इक्वल टू वी ए प्लस बी वी बी पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट बी और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन ऑफ क्यू अपॉन क्यू ए प्लस वन अपॉन फोर क्यू बी ठीक है समझ में आ ही रहा होगा ये चार्ज प्लस क्यू है तो इसकी वजह से पोटेंशियल इज इक्वल टू वन ऑफ फोर फाइव से वैल्यू अपॉन द डिस्टेंस यहां पर चार्ज की वैल्यू अपॉन द डिस्टेंस ठीक है तो अब हमें क्यू ए की वैल्यू निकालनी है तो या तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लें या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं ये जो पॉइंट क्यू है ये ओरिजिन से जेड डिस्टेंस पे लोकेटेड है और ये पॉइंट ए है वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे लोकेटेड है तो ये डिस्टेंस जो हमारी क्यू ए के बराबर आएगी वो कितनी हो जाएगी जेड माइनस ए के बराबर तो या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए उससे भी आपको ये सेम वैल्यू मिलेगी या लॉजिक से इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और सिमिलरली क्यू बी की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है z के बराबर और o और b के बीच की डिस्टेंस कितनी है a के बराबर तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी z प्लस ए तो ये इस क्वेश्चन का सबसे एक तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट था बस अब हमने क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू रखनी है और इजीली इस हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो क्यू ए की वैल्यू जेड माइनस ए क्यू बी की वैल्यू जेड प्लस ए हमने रख दी या फिर हम इन दोनों टर्म्स में से वन ऑइंट फोर पैपन डॉट कॉमन निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा वन ऑफ पॉइंट जेड माइनस ए माइनस वन ऑफ जेड प्लस ए एलसीएम ले लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा क्यू अपॉन फोर की वैल्यू मिल जाएगी क्यू अपॉन फोर पाइप नॉट ये जेड और जेड कैंसिल आउट हो जाएंगे टू ए अपॉन जेड माइनस एन टू जेड प्लस ए या वी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी वन अपॉन फोर पैबसे अपॉन जेड माइनस एन टू जेड प्लस ए सिंपल कैलकुलेशन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो वी क्यू है जो पोटेंशियल ड्यू टू द बोथ द चार्जेस है वी ए प्लस वी बी इसकी वैल्यू वन अपॉइंट फोर फाइव नॉट और टू क्यू ए की जगह हमने पी रख दिया दैट इज अ डाइपोल मोमेंट अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके और यहां पे हमने ये जो पॉइंट क्यू लिया था ये पॉजिटिव चार्ज के पास लिया था ठीक है अगर ये पॉइंट क्यू अगर नेगेटिव चार्ज के पास लेते मतलब इस साइड को लेंगे तो मतलब ये इस साइड पे अगर पॉइंट क्यू लोकेटेड रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे बी के इस साइड लोकेटेड रहेगा बी के लेफ्ट में लोकेटेड रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये पॉइंट जो है क्यू इस केस में नेगेटिव चार्ज के पास आ जाएगा ठीक है तो इस वजह से अगर आप इस पॉइंट क्यू को आप माइनस क्यू के पास मान के चलोगे तो आपको कैलकुलेशंस बिल्कुल सेम मिलेंगी बस डिफरेंस क्या आएगा एक माइनस साइन का तो वी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस वन अपॉन फोर पाइप सेल नॉट पी अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं वी क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन फोर पाइप सेल नॉट पी अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस साइन इस पॉसिबिलिटी को शो करता है कि जेड एक्स पे कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर पोटेंशियल जो है इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉजिटिव भी होगा और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जहां पर पोटेंशियल नेगेटिव भी होगा ओके okay, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया अब बी पार्ट में हमें ये करना है ओपटेन द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस आर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन वेन आर अपॉन ए इज वेरी मच ग्रेटर देन वन ओके नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा है जो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन निकाला था ए पार्ट में उसमें हमने जेड की जगह आर रिप्लेस कर दिया है तो ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो v की वैल्यू हो जाएगी नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके आर की जो वैल्यू है ए से बहुत ज्यादा बड़ी है ठीक है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आर इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू ए स्क्वायर इसका मतलब हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट भी कर सकते हैं अगर हम आर स्क्वायर के कंपैरिजन में उसे लेके चलें तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वन अपॉन फोर फाइव नॉट पी अपॉन आर स्क्र तो डिपेंडेंस ऑफ V दैट इज पोटेंशियल विद डिस्टेंस R हम लोग लिख सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ओके तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा अब सी पार्ट लेके चलते हैं सी पार्ट में बताना है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट फाइव जीरो जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो है यहां से हम एक टेस्ट चार्ज मूव करा रहे हैं टू द पॉइंट माइनस सेवन जीरो जीरो इस पॉइंट पे माइनस सेवन जीरो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम चार्ज को मूव करा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सेस ठीक है तो कितना वर्क हमें करना कितना वर्क इस इस कंडीशन इस में रिक्वायर्ड होगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ये बिल्कुल सिमिलर हैं टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ये जो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू जिस तरीके से लोकेटेड है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है और एक्सेस जो है वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के पर्पेंडिकुलर भी है और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं बिकॉज ये एक्सएक्सिस पे लोकेटेड है और एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा तो इन दोनों पॉइंट्स पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा जीरो होगा तो इस वजह से जो वर्क डन होगा इन मूविंग द चार्जेस इन मूविंग द चार्ज दैट इज अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इस पॉइंट से फाइव जीरो जीरो से माइनस सेवन जीरो जीरो तक उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू इन डेल्टा वी या क्यू इन वी टू माइनस वी वन v2 इस पॉइंट का पोटेंशियल है v1 इस पॉइंट का पोटेंशियल है लेकिन दोनों पोटेंशियल हमारे जीरो के बराबर हैं तो इस वजह से नेट वर्क डन हमें जीरो के बराबर मिलेगा और आगे हमें यह बताना है डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट इज नॉट एक्स एक्सिस मतलब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ना ले जाके किसी दूसरे पार्ट के अलाग हम ले जाते हैं तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा या आंसर चेंज होगा ये हमें बताना है तो इसका आंसर यह है कि नो ये आंसर हमारा आंसर चेंज नहीं होगा बिकॉज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कनेक्टिंग द टू पॉइंट तो वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है ओके okay, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा